हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि यदि डिप्लोमा आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो गया है, आप पॉलिटेक्निक करते हैं, आपने 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट किया है, तो आप जो वैकेंसी आई है तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कि मान लीजिए कि सबकी स्थिति समान नहीं होती, कुछ छात्र छात्राएं होते हैं जो डिप्लोमा करने के बाद बीटेक करते हैं, तो कुछ छात्र छात्राएं होते हैं वो चाहते हैं कि डिप्लोमा करने के बाद वो एक गवर्नमेंट जॉब करें। तो यहाँ पे एक सूचना आई है कि जो भारत सरकार द्वारा परमाणु ऊर्जा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसके अंतर्गत वैकेंसी को निकाला गया है परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय द्वारा। यहाँ पे देखिए एडवर्टाइज नंबर AMD3/2021, ठीक है। इसमें कुछ पोस्ट दिए गए हैं, इस पोस्ट को हम देखेंगे कि किन किन पोस्ट में कितने वैकेंसी आई है और किन किन जो कैटेगरी है उसके बाद डिवाइड किया गया है और उसकी जो वेतन कितना होगा इसमें दिया गया है। तो ये दोस्तों एक गवर्नमेंट जॉब है जो कि भारत सरकार द्वारा निकाला गया है। इसको आइए हम देखते हैं कि क्या है, कुछ डिटेल्स को इसको देखते हैं। तो आज थोड़ा सा नीचे देखेंगे, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड, ठीक है। यानी इस वैकेंसी के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड में आप इसका अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट डेट दी गई है, लास्ट डेट फॉर रिसिपियंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24/10/2021, ठीक है। यानी 24 अक्टूबर 2021 को इसका लास्ट डेट है, इस डेट तक आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस डेट को याद रखिए, आप इस डेट से पहले इस फॉर्म को अवश्य अप्लाई कर दें यदि आप इसमें जॉब करना चाहते हैं तो, जबकि ये आपका 9 तारीख से ही स्टार्ट हो गया है, 9/10/2021 से, ठीक है। इसका जो एप्लीकेशन है फिलअप का स्टार्ट हो गया है और जो लास्ट डेट है 24/10/2021 है। तो आइए नीचे हम कुछ देखते हैं कि क्या क्या वैकेंसी आई है। बेसिकली जो यहाँ पे देखिए साइंटिफिक असिस्टेंट बी, यानी जो आपका पोस्ट का नाम है साइंटिफिक असिस्टेंट, ठीक है। तो ये आपका है बीएससी के लिए, जो कि आप मान लीजिए आप डिप्लोमा की आपका कोई दोस्त हो जो बीएससी कर रहा हो या मतलब बीएससी कंप्लीट कर चुका हो, वो भी 60% मार्क्स से, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिए फिजिक्स वाला हो गया बीएससी, और यहाँ पे नीचे पोस्ट आई देखिए, यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट भी केमिस्ट्री के लिए है, वो भी बीएससी से, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम स्क्रॉल करते हैं, जो हमारा काम लायक है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि साइंटिफिक असिस्टेंट बी इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। तो यानी आप यदि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से है तो ये आपके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स, ठीक है। यानी आप 3 साल का डिप्लोमा किए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से और आपका जो परसेंटेज है फाइनल ईयर का 60% है टोटल मिला के, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जिसकी टोटल पोस्ट है वो आपका 2 है, ठीक है, 2 वैकेंसी आई है, ठीक है। तो यहाँ पे और एज इसका लिमिट है देखिए, ओबीसी का मैक्सिमम एज 33 साल होना चाहिए और जो अनरिजर्व है उसका 30 साल, ठीक है। यानी 24/10/2021 के हिसाब से मैक्सिमम एज आपका इतना होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए नीचे आइए, यहाँ पे देखिए साइंटिफिक असिस्टेंट बी, ठीक है, और इसके अंदर देखिए कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी यदि आप कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग ब्रांच से हैं या फिर आपका ब्रांच इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यदि आप बीएससी किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 60% मार्क्स आपका फाइनल ईयर में होना चाहिए या फिर आपके पास डिप्लोमा का जो मार्कशीट है वो होना चाहिए 60% मार्क्स से, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे 9 है, ठीक है, यहाँ पे टोटल वैकेंसी 9 है। यहाँ पे आप देखिए एससी के लिए यहाँ पे 1 है और एसटी के लिए 2 है और ओबीसी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और अनरिजर्व के लिए 4 है। तो टोटल वैकेंसियों की संख्या यहाँ पे 9 है। और इसके नीचे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इसका वेतन कितना स्टार्टिंग है 35,400 से, इसमें आपका डीए और अदर अलाउंस एज एडमिशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय सब इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो आपका जो स्टार्टिंग है सब कुछ छोड़ छाड़ के 35,400 आपका बचत होगा, ठीक है। तो एक अच्छा जॉब है, आपके पास एक सुनहरा मौका है, आप इसको अप्लाई जरूर करें। और नीचे आइए देखिए, यदि आप ब्रांच इलेक्ट्रिकल ब्रांच से डिप्लोमा किए हैं तो भी आपके लिए एक अवसर है, आपका जो पेमेंट है 35,400 है। और यहाँ पे देखिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स, ठीक है। और नीचे आइए देखिए, यदि आप सिविल ब्रांच से हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपका यहाँ पे 35,400 जो यहाँ पे पेमेंट है और टोटल जो वैकेंसी संख्या यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे टोटल वैकेंसी संख्या 2 है, नहीं 2 नहीं सॉरी यहाँ पे 1 है जो कि अनरिजर्व के लिए है, ठीक है।
और नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए, ये आपका आईटीआई के लिए, यदि आपका कोई दोस्त आईटीआई किया है जो एनसीबीटी या फिर एससीबीटी से हो, तो यहाँ पे टोटल जो उसका पेमेंट है मंथली का 21,700 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिनिमम मार्क्स है 60% मार्क्स होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका आईटीआई के लिए है। मेरा मेन मोटो ये था कि जो आप डिप्लोमा किए हैं, ठीक है, 3 साल का डिप्लोमा है तो आपने कंप्लीट कर लिया है, तो आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो यहाँ पे आपके लिए एक अवसर है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं और अच्छा खासा पेमेंट भी मिल रहा है आपको, 35,400 से स्टार्टिंग है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप उस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो इसको अप्लाई कहाँ से करना है इस चीज को भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको गूगल क्रोम ओपन करना है, ठीक है। गूगल क्रोम में आप यहाँ पे लिखेंगे जो URL जो एड्रेस बार है यहाँ पे amd.gov.in, ठीक है। यहाँ पे आप जब लिखने के बाद इसको इंटर करेंगे तो आपके पास एक पेज ओपन होगा, देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक रिसर्च, एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, तो कुछ इस तरह आपका एक विंडो ओपन होगा, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। और इसके बाद आप नीचे आएंगे थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ देखिए रिक्रूटमेंट लिखा है, ठीक है। तो इस पे आप जब क्लिक करेंगे, देखिए एक पेज नया ओपन हो रहा है, यहाँ पे रिक्रूटमेंट में आप नीचे आइए, एडवर्टीजमेंट नंबर AMD3 2021 फॉर फिलिंग अप वेरियस पोस्ट इन AMD, ठीक है। तो यहाँ पे जो लास्ट ये, इस पे आप क्लिक करेंगे, वेब लिखा है, इस पे हमने क्लिक किया तो आप नीचे देख पा रहे होंगे कि जो इम्पोर्टेंट डेट है यहाँ पे डिफाइन किया गया है, देखिए अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे जो 9/10/21 स्टार्ट हो गया है और इसका जो लास्ट डेट है 24/10/21 निर्धारित किया गया है। तो यानी 24/10/21 तक आपके फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे, और इसके बाद आपके फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होंगे, तो आप 24/10/21 से पहले इस फॉर्म को अवश्य फिलअप कर लें। तो फिलअप करने के लिए यहाँ पे आप एक क्लिकेबल है, इसको आप सिंगल क्लिक करिए, ठीक है। तो देखिए आपका आपका एक नया पेज ओपन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ओपन हो गया। और इसके बाद यहाँ पे ऊपर देखिए यहाँ पे लिखा है क्लिक टाइम वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यदि आपने पहले रजिस्टर हो चुके हैं तो यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप नए यूजर हैं यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए, देखिए हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये फॉर्म जो विंडो है ओपन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पे अपना जो डिटेल्स है उसको फिल करेंगे, एप्लीकेशन नेम, ठीक है, एप्लीकेंट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सारा जो इसमें है डेटा मांगा गया, आप वहां पे सारा चीज फिलअप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको पासवर्ड भी क्रिएट करना है, लॉगिन आईडी भी क्रिएट करना है, और उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आप जो नेक्स्ट बटन पे जाएंगे तो और डिटेल्स आपका मांगा जाएगा, तो उसको आप फिलअप करें। तो हमने इस तरह बताया कि जो इस फॉर्म है इसको कैसे फिलअप करना है, तो आप यहाँ से ऐसे कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।